घर में हमेशा भर कर रखनी चाहिए ये चीजें, वरना खाली होने लगती है जेब। वास्तुशास्त्र हिंदू प्रणाली में सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व है। घर में मौजूद अलमारी जैसी बड़ी चीज से लेकर सुई जैसी छोटी चीज तक के वास्तु उपाय बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बच जाता है। आइए जानते हैं घर संबंधी वास्तु नियम। नमस्कार दोस्तों, धर्मा वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में ऐसी कई चीजें होती हैं, जिन्हें खाली रखने से वास्तु दोष पैदा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिनके खाली होने पर व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, कभी खाली न रखें ये चीज। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स कभी खाली ना रहे, तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार पर्स खाली रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। जहाँ भी आप अनाज रखते हैं, वह पात्र कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता नाराज हो सकती हैं। इसलिए अपने अनाज के भंडार को हमेशा भर कर रखें। नंबर दो, तिजोरी में रखें ये चीज। अपनी तिजोरी को भी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से प्रस्थान कर सकती हैं। इसके स्थान पर आप लाल कपड़े में कौड़ी, गोमती चक्र या फिर हल्दी आदि लपेट कर रख सकते हैं। नंबर तीन, समृद्धि के लिए करें ये उपाय। पूजा के जल के पात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमेशा जल के पात्र को भर कर रखें। पूजा के जल पात्र में गंगा जल और तुलसी के पत्ते हमेशा रखने चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर चार, इससे आती है आर्थिक तंगी। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बाथरूम में बाल्टी कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमेशा इसमें पानी भर कर रखें। खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। साथ ही घर में टूटी फूटी बाल्टी रखने से भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।